जो यूनिट है जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं वो है डायनामिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज। डायनामिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज को पढ़ने के लिए जो सबसे जरूरी क्वांटिटी है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको हम लोग पहले बहुत अच्छे तरीके से पिछले क्लासेस में हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए पार्टिकल इज आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर। हमें लिखूंगा नहीं शब्दों में, बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिग्मा एम आर स्क्वायर, या फिर आपने कैलकुलस मेथड यूज करने के लिए एक्स स्क्वायर बी एम डिफाइन किया। जैसी बॉडी होगी वैसे ही आप इसमें लिमिट लगाए, और इसको हमने अच्छे तरीके से समझा था। इसको पहले एक और चीज आप याद रखें, एम वी स्क्वायर। बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन जनरल आप बॉडी के मास और रेडियस ऑफ गायरेशन के स्क्वायर के मल्टीप्लीकेशन से भी जानते हैं, मास इंटू के स्क्वायर। थ्योरेटिकल जो डेफिनेशन है वो सिग्मा एम आर स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर डी एम भी है, ये पिछले क्लास में आपने देखा। फिर हमने रिंग का एक थिन रॉड एल एन थ्री इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ये हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। चूंकि ऑब्जेक्टिव है पेपर, ना भी ऑब्जेक्टिव हो तो भी हमने पिछले क्लास में पढ़ाया था, जिसके वीडियो लेक्चर्स यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं, उनसे आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि पहली बार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई है, सिलेबस ज़्यादा है, एडमिशन लेट हुआ है और हमें पूरा सिलेबस भी कवर करना है, तो ये आप उस YouTube चैनल पे आगे वाले, जैसे कि आप स्फीयर का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, सॉलिड स्फीयर हो, हॉलो स्फीयर का जरूरत नहीं है, उसका फॉर्मूला ही रट लीजिए, या सिलेंडर है, हाँ इस पर इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे। ये सिलेंडर है आपके सामने, इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कोई बताएगा क्या हो? अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन ये सॉरी थोड़ा सा गलत जगह बन गई है, इसको एज्यूम कर लीजिए कि सेंटर से पास हो रही है। अगर इसका मास एम है, रेडियस आर है, लेंथ एल है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा कोई बताएगा? आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा? कैन एनीवन आंसर? I इक्वल टू एम इंटू बताया, इसका क्या आंसर होगा? चलिए मैं ही बता देता हूं, एम आर स्क्वायर बाई टू। ये इसकी ये जो हमने बना रखी है इसका हमने ले ली थी, इसके लिए हमने निकाला था, ये रोटी डिस्क्रे हो गई, बस यही तो अंतर है। लेंथ का उसमें यूज नहीं हुआ। मैं आपको ये चीज़ दिखाना चाहता हूँ, डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में ये टेबल दी हो सकती है, अगर नहीं है तो मैं इस टेबल के माध्यम से बॉडीज के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दिखाना चाहता हूँ कि आपको अपने आप करना होगा। सॉलिड का जो सॉलिड स्फीयर है उसका फॉर्मूला क्या होता है, मैं एक टेबल इसमें बनी हुई है बुक में, टेबल के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये इसमें टेबल बनाई है इन्होंने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में, ये है, ये इस बुक में है। कहिए तो इसकी जो टेबल की फोटो हम उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे, हो सकता बुक में जो आपने परचेज की हो उसमें ना हो। अब जैसे एक हमने करवा रखा, इसका वीडियो लेक्चर मौजूद है, इसका कैलकुलेशन मैं नहीं करने जा रहा,
रेक्टेंगुलर लैमिनार, ये आपके सिलेबस में है, रेक्टेंगुलर लैमिनार। रेक्टेंगुलर का मतलब होता है रेक्टेंगल, मतलब ये रेक्टेंगल हो गया, ठीक है। इसकी लेंथ एल है 15। इसका मूवमेंट ऑफ इनर्सिया किसी एक्सिस के अबाउट जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है क्या होगा, कोई बता सकता है? अगर लेंथ एल है, मास एम है, इसका आंसर कोई करेगा? क्या नाम है बेटा? बिल्कुल बिल्कुल सही बताया, एम एल स्क्वायर अपॉन 12। अब मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज कर रहा हूँ, एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके बजाय सेंटर ऑफ मास से शाबाश, ये लेंथ की तरह काम करेगी चौड़ाई, इसके अबाउट इसका मूवमेंट ऑफ इनर्सिया आई इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन। आपका जो डेरिवेशन आपने थिन रॉड का किया था ना, उसी कॉन्सेप्ट से को भी निकाला जाएगा। आप अपने बुक में भी दे सकते हैं जो भी खरीदी हो, या हमारे वीडियो में समझते हुए ही देख सकते हैं, राइट। अब मैं तीसरी एक्सिस के अबाउट जानना चाहता हूं, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द लैमिना। ये लैमिना मान लीजिए अपनी कॉपी को, इसमें लंबाई भी है और चौड़ाई भी है, तो उसी के प्लेन में ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारी ये है, तो एम एल स्क्वायर अपॉन 12 या एम बी स्क्वायर अपॉन 12 बताएं? अरे अभी नहीं, मैं इस एक्सिस के अबाउट पूछ रहा हूँ जो हमने ये बनाया है, सॉरी, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हुई एम बी स्क्वायर अपॉन 12। अगर आप लंबाई को दो हिस्सों में बांटोगे, आपने इस रॉड में क्या किया था, लंबाई को दो हिस्सों में बांटा था, इस तरीके से भी सीख सकते हो, तब एम एल स्क्वायर अपॉन 12 है। चौड़ाई को दो हिस्सों में बांटते हुए सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस है, तो एम बी स्क्वायर अपॉन 12 है, क्योंकि चौड़ाई को लंबाई की तरह बांट के दो हिस्सों में बांटा है। जब आप लिमिट लगाओगे, उसमें एक एलिमेंट कंसिडर करोगे, डीएम लोगे, तो कैलकुलेशन से डिराइव होकर एम बी स्क्वायर अपॉन 12 निकले। समझ आया कि नहीं सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं? अब मैं आपसे एक्सिस ऑफ रोटेशन ये चाहता हूँ, सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है लेकिन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लैमिना है। अब इसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्सिया कौन बताएगा? हाँ बिल्कुल सही, एक्चुअली ये सपोज कर लो ये आई बाई, तो इसमें थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस लग जाएगी, आई इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, तो जेड कह सकते हो, जेड एक्स दे दिया। सबको समझ आ रहा है या नहीं? तो अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया जो निकलेगा वो एम एल स्क्वायर अपॉन 12 और प्लस नहीं एम बी स्क्वायर अपॉन आई एक्स, तो हमारा एम बी स्क्वायर अपॉन 12, तो एम बी स्क्वायर अपॉन 12 प्लस एम मान लीजिए एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन क्यू या एम बाई 12 बार निकाल लीजिए। तो इस तरीके से एक फॉर्मूले का डेरिवेशन आपने सीखा थिन रॉड का, फिर आपको डेरिवेशन नहीं करना है, करना है तो एम बी स्क्वायर अपॉन 12 बिल्कुल उसी गाइडलाइन पे होगा जो जिस गाइडलाइन पे आपने एम एल स्क्वायर अपॉन 12 निकाला, ठीक है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज हो जाने पे बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्सिया चेंज हो जाता है। अभी हम सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अमाउंट ही बात कर रहे हैं जो इस टेबल में गिवन है, लेकिन अगर आप एक्सिस ऑफ रोटेशन ये ले लो तब तो कुछ और हो जाएगा। इसकी डिस्टेंस आपको डिफाइन करनी पड़ेगी, सपोज एच है, तो अगर आप इसको एम एल स्क्वायर अपॉन 12 इसके अबाउट बता रहे थे तो इसके अबाउट एम एल स्क्वायर अपॉन 12 प्लस एम एच स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप
इस एक्सिस के अबाउट ले रहे हो तो n अपॉन 12 n स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अगर आप इस एक्सिस के अबाउट होंगे तो एम एच स्क्वायर इसमें ऐड हो जाएगा। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस इस्तेमाल करनी पड़ेगी। इस टाइप की चीजें हमने शायद वीडियो में पुराने वाले में डिस्कस करी है, उसे आप पढ़ लीजिए। हालांकि हमें मालूम है वीडियो की संख्या तो दिखती है कि इतने लोगों ने देखा, लेकिन वीडियो देखते एक दो मिनट है बस, ये भी हमें मालूम है। कुछ बच्चे पूरा देखते हैं जो पढ़ने में सीखना चाहते हैं, तो सीखने को आपको सीखना ही चाहिए भाई। आप वो चीज जो मैं पढ़ा चुका हूँ अवेलेबल है तो उसको पढ़ लीजिए ताकि और चीजें डिस्कस कर सके। ये एग्जाम जो है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होना है तो उस पर जोर लगाएंगे जब ये पूरा करने के बाद। हालांकि ऑब्जेक्टिव भी मैंने बहुत सारे डाल रखे हैं, बहुत मेहनत से पिछले साल भी हमने पढ़ाने की कोशिश करी, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई है मैंने। ऐसे ही सॉलिड स्फीयर के डायमीटर के अबाउट, सॉलिड स्फीयर का मतलब थ्री डायमेंशनल होता है, ये आप जान लीजिए। स्फीयर कैसा होता है, सर्किल कैसा होता है, टू डायमेंशनल। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है? अब आप मास ले लें, रेडियस आर ले लें, आपने रखा हुआ फॉर्मूला कितना होता है, टू बाई पाई मास। अब थ्री डायमेंशनल है, जब डेरिवेशन हम नहीं करेंगे क्योंकि हमने वीडियो में कर रखा है, एक कॉमन सेंस से बताया गया है। अब देखिए ये इसमें आपने इस बारे में क्या लिया था, डी ए मास पर यूनिट एरिया है ना, इसमें क्या लेंगे, मास पर यूनिट वॉल्यूम। डी ए निकालना बस सीख लीजिए, इतना हम इशारा कर रहे हैं। यहाँ पे क्या लोगे जब डायमेंशनल है, यहाँ पे रिंग नुमा दो चीज दी जाएगी, ठीक है, इससे के रूप में जिसकी मोटाई भी एक होगी, यानी डिस्क होगी। सॉलिड है तो क्या होगी, डिस्क। उस डिस्क का मास आपको, जैसे मास पर यूनिट एरिया के बजाय मास पर यूनिट वॉल्यूम लोगे, आपको इस डिस्क का वॉल्यूम निकालना होगा तो डीएम निकल आएगा। फिर उसे डिस्टेंस एक्स स्क्वायर डीएम लगाएंगे, लिमिट लगाएंगे, मास कहाँ से कहाँ फैला हुआ है। ये अगर आपने एक्स एक्सिस रोटेशन ली, यहाँ डिस्क ली, तो ये जो डिस्टेंस ली डिस्क की वो केवल एक साइड में नहीं, दोनों पर, तो माइनस आर से प्लस आर लिमिट लगेगी। उसको जब कैलकुलेट करेंगे फाइनली, डेंसिटी भी कंसीडर इसमें करनी पड़ती है क्योंकि मास निकालने के लिए हम वॉल्यूम इनटू डेंसिटी का फंडामेंटल यूज करेंगे, समझ गए। तो इसका फॉर्मूला आपने रटा रटाया पड़ा हुआ है, टू बाई फाइव एम आर। अगर आप इसके सर्कमफेरेंस को टच करने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानना चाहते हैं तब कितना निकलेगा, इसमें थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस आएगी, तो टू बाई फाइव एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर कितना निकलेगा, सेवन बाई फाइव। Are you clear? तो ऐसे ही आप एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज कर सकते। अगर कोई हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर का मतलब है जिसकी इंटरनल रेडियस आर वन है और एक्सटर्नल रेडियस आर टू, तब ये फॉर्मूले का जो डेरिवेशन निकलेगा वो निकलेगा टू बाई फाइव एम आर टू की पावर फाइव माइनस आर वन टू की पावर फाइव डिवाइडेड बाई आर टू स्क्वेयर माइनस सॉरी आर टू क्यूब माइनस आर वन। ये फॉर्मूला हॉलो स्फीयर का, ये सब फॉर्मूले टेबल में बने होंगे जहाँ तक मुझे लगता है। सॉलिड स्फीयर इस वाले में इन्होंने हॉलो स्फीयर नहीं दिया, हॉलो स्फीयर नहीं दिया है, लेकिन अंडर टेक्स्ट में दिया होगा। अब जैसे कि हमने ये सिलेंडर ही लिया था, ये सिलेंडर लिया था, उसको हमने ध्यान नहीं दिया, अभी मैं भूल गया, इसको भी हमें समराइज करना है। एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है तो इसके अबाउट तो हमने कहा एम आर स्क्वायर बाई टू,
लेकिन अगर आप एक्सिस ऑफ रोटेशन इस लेंथ को बाइसेक्ट करने वाली एक्सिस है और सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, तब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला डिफरेंट होता है। इसका भी डेरिवेशन है लेकिन हम कर नहीं रहे हैं, आप ना भी करें तो भी काम चलेगा, लेकिन समझ लें इसमें वही है, डिस्क लेनी पड़ेगी, डीएम लेना पड़ेगा, एक्स लेना पड़ेगा, लिमिट लगानी पड़ेगी। ये एक्चुअली उसी तरीके से आ जाएगा जैसे फिल रॉड का आता है, लेकिन डिस्क की तरह लेने में, सर्कुलर लेने में ये एम एल स्क्वायर अपॉन 12 तो आई नहीं आएगा, प्लस आर स्क्वायर बाई 4 भी आएगा। ये होगा इस एग्जाम्पल। एक रेक्टेंगुलर टाइप की जो रॉड होती है उसका तो एम एल स्क्वायर अपॉन 12 होता है, ये टू डायमेंशनल होती है ना रॉड, ये जो सिलेंडर है वो थ्री डायमेंशनल हो गया। कैसा हो गया? थ्री डायमेंशनल। तो इसका जो फॉर्मूला डिराइव होके आएगा वो एम एल स्क्वायर अपॉन 12 प्लस ये रटने के लिए बता रेडियस का भी रोल इसमें आ जाता है, लेंथ का भी आ जाता है। अब यही एक्सिस ऑफ रोटेशन इसे कुछ दूरी पे करोगे, जो दूरी होगी उसमें एम एच स्क्वायर और जुड़ जाएगा। तो ये आपको प्रैक्टिस करनी है कि एक हमने फॉर्मूला रटा सिलेंडर में, तो दोनों फॉर्मूले रटने पड़ेंगे, ये वाला तो डिस्क की तरह यूज हो जाएगा और ये वाला सिलेंडर और प्लस डिस्क मिला जुला के एम एल स्क्वायर अपॉन 12 प्लस आर टू डी आर स्क्वायर बाई 4। तो इस तरीके से टेबल की एक चीज और है, मैं स्फीयर बता रहा था यहाँ पे, स्फीयर हमने हॉलो स्फीयर तो नहीं किया, एक सिलिंड्रिकल सॉरी स्फेरिकल सेल ले, सेल में और हॉलो स्फीयर में क्या आता है? स्फेरिकल सेल, कोई बताएगा इसका हमें क्या अंतर होगा? स्फीयर है तो स्फीयर ऐसा हो गई, बताएगा कोई? जिसकी इंटरनल और एक्सटर्नल रेडियस में कोई बहुत अंतर ना हो, जैसे कि फुटबॉल बहुत पतली सी होती है, जो उसकी आंतरिक त्रिज्या है और बाहरी त्रिज्या है वो एक ही होती है, जैसी होती है एक ही जैसी होती है। तो इनके फॉर्मूले स्फेरिकल सेल का इन्होंने अबाउट ए डायमीटर, ये इसका फॉर्मूला होता है 2/5 के बजाय 2/3 अबाउट ए लेकिन कौन आपके कोर्स में नहीं है आप देखेंगे ना, जो सिलेबस लिखा है जो जो बॉडी आपके कोर्स में है उसी का फॉर्मूला आप एक्सिस ऑफ रोटेशन को ध्यान में रखते हुए दिमाग में बैठाएंगे। जो प्रॉब्लम उसमें आती है ऑब्जेक्टिव में वो केवल इसी में नहीं आती है, आपके एग्जाम में ही नहीं आएगी, अगर PCSIS में बैठोगे वहाँ भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आप JEE में बैठते हो तो भी उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे ही धस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर जगह ये काम आती है। जी कॉन्सेप्ट क्लियर करिए तो आपका हर जगह फायदा ही फायदा। एक कहावत शायद आपने सुनी होगी, कितने लोगों ने सुनी है, माइंड इज ए स्मॉल बकेट एंड नॉलेज इज ए डीप वेल, कितने लोगों ने सुना है खड़े होकर बताएं, एक ही हाथ उठ रहा है। इसका मतलब मैं बता दूं, माइंड का मतलब रट्टा मारना, एक बार पढ़ा फॉर्मूला रट लिया, अगर कुछ मेंटल स्टेटस चेंज हो गए तो भूल गए तो भूल गए, लेकिन जितना रट्टा मारा उसके आगे पीछे नहीं जा पाओ। अगर नॉलेज आपने कर ली है तो गहरे कुएं से आप जितना बाल्टी पानी निकालोगे निकलती रहेगी, वो बाल्टी भर ही कहलाएगा। थोड़ा सा अगर वेरिएशन कर दिया आपने इसमें फॉर्मूले में तो गया क्वेश्चन का आंसर। इसलिए किसी भी चीज की पढ़ाई
जो हम कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव है तो क्या हुआ, लेकिन ऑब्जेक्टिव का मतलब रट्टा मार के पूरा नहीं होता। जितनी ज़रूरी चीज़ें हैं डेरिवेशन की बेसिक्स हमने बता दी है, और जो बचा हुआ दाएं बाएं की तरह इस कॉन्सेप्ट से ये चीज़ निकल के आ जाती है, इतना तो दिमाग में बैठाना होगा। मैं एक एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूँ मेमोरी का के काम करने के तरीके। शायद दे चुका हूँ, चलिए नहीं देते हैं, आगे बढ़ते हैं, सिलेबस भी कवर करना है। तो इस तरीके से आप मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के कैलकुलेशन और फॉर्मूले, ध्यान रहे एक्सिस ऑफ रोटेशन को आपको ध्यान देना है और उसी के अकॉर्डिंग चीज़ों को सॉल्व करना, राइट। और फिर उसके बाद प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस, तो उसके बाद नहीं करते जाओगे बहुत सारी चीज़ें, जरा सर रफ में कैलकुलेशन करोगे सही आंसर को पहुँचोगे, ठीक है। तो ये जितनी बॉडीज आपके सिलेबस में लिखी हैं उस टेबल से उनके फॉर्मूले कुछ डिफाइंड दिए हुए हैं कि इसके अबाउट जो डिफाइंड नहीं है उसकी एक्सटेंडेड टेबल आप खुद बना सकते हैं, मोटा मोटा बता दिया है, ठीक है ना। अब हमको सीधे सीधे पहुंचते हैं रो दी मोशन पे, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, उसको मैं कराना चाहता हूँ। इसमें किसी को कोई डाउट हो पूछ लो, मैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के डेफिनेशन और उसके कैलकुलेशन से रिलेटेड फिर अब नहीं डिस्कस करूँगा, किसी को कुछ पूछना हो या आगे बढ़े बताएं। बचे हुए आप जो हमारे उसमें चैनल पे वीडियोस हैं उनसे कवर कर लीजिए, क्योंकि जब जितने बार मैं पढ़ाता हूँ कुछ ना कुछ डिफरेंट इस टाइम में बताता हूँ, संदर्भ भी बदल जाते हैं, ठीक है। अब मैं आता हूँ रोलिंग मोशन, ठीक है। रोलिंग मोशन क्या होती है शायद पहले हम बता चुके हैं, कोई बॉडी जो रोल कर सकती है। अब बॉडी के कौन सी शक्लें हैं सब तुमको पता है, पहिया चलेगा, रिंग, डिस्क, सिलेंडर, स्फीयर, ये सब लुढ़क सकती है। रोल करने का मतलब लुढ़कना, ठीक है, बिना फिसले रोटेट करते हुए आगे बढ़ना, समझ गए, ये है रोलिंग मोशन। और थोड़ी सी और भाषा सिंपल बना के कहें, रोलिंग मोशन इज नेचर ऑफ, क्या है, कंबाइंड ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन। जैसे कोई बॉडी किसी सर्विस पे रोल करने का क्या मतलब, अभी यहाँ है थोड़ी देर बाद वहां पहुंचनी है, अगर रोल कर रही होती है एक लीनियर स्पीड वी भी होती है, उसके अलावा चूंकि रोल कर रही है, रोल करने का मतलब है कि रोटेशनल भी है, इसकी रेडियस आर है, मास एम है, तो जो वैसी वाली और आर का एक रिलेशन है एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड, एक एंगुलर वेलोसिटी भी है ओमेगा, तो वी इक्वल टू आपने पढ़ा होगा ओमेगा क्रॉस आर, दो चीजें हैं सर, जो वी है लीनियर ट्रांसलेशनल। अब काइनेटिक एनर्जी, चूंकि हर चीज में एनर्जी की बात करते हैं हम लोग, क्या होगा, अब तो काइनेटिक एनर्जी है, टोटल काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इन रोटेशन, ये भी कंबाइंडिंग होनी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन और प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन,
ठीक है, समझ आ रहा है? टोटल इसको हम काइनेटिक एनर्जी को ए कहें, ये मैं केवल हॉरिजॉन्टल प्लेन पे चलने की बात कर रहा हूं, तो ये काइनेटिक एनर्जी को हम ए कहते हैं, रोल इक्वल टू ए ट्रांसलेशनल प्लस ए रोटेशनल, ठीक है। जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है वो आपने पहले पढ़ी है कि क्या फॉर्मूला होता है, अगर बॉडी का मास एम हो और वेलोसिटी वी हो तो क्या आपने पढ़ा, और इसकी रोटेशनल की क्या पढ़ी है, पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, आई क्योंकि मास की जगह ले लेता है मोमेंटम इनर्शिया और बी की जगह ले लेता है कंपेयर करके बता। अब लेकिन दो एक रोटेशन में नहीं लिखे, इसमें रोटेशनल मोशन का भाव डोमिनेट हो या लीनियर का डोमिनेट हो होता रहे, लेकिन हम एक जो फॉर्मूला है उसको ज्यादा अच्छे से पहचानते हैं, वो हाफ एम वी स्क्वायर। मैं उसी भाषा में इस फॉर्मूले को कंबाइन करना चाहता हूँ, कैसे करें, इसका मतलब है आई को नहीं पसंद, आई हमें पसंद नहीं है, भी लिखे हम आई को क्या लिखे हम, सिग्मा एम आर स्क्वायर तो थ्योरेटिकल दिमाग में बैठाने के लिए है, एम के स्क्वायर जब बॉडी डिफाइन ना हो, और बॉडी डिफाइन हो जाएगी तब उसका एक्चुअल फॉर्मूला लिखा जाएगा। जैसे मान लिया रिंग लुढ़क रही है तो आप क्या लगाओगे, या सिलेंडर लुढ़क रहा है तो क्या लगाओगे, कौन सा फॉर्मूला, एक्सिस ऑफ रोटेशन तो वही एक्सिस ऑफ दी सिलेंडर होगी, एम आर स्क्वायर बाई टू। और अगर कोई सॉलिड स्फीयर लुढ़क रहा है तब 2/5 एम आर स्क्वायर, हॉलो स्फीयर में स्फेरिकल सेल लुढ़क रही है तो 2/3 एम आर स्क्वायर, जैसा फॉर्मूला है, रिंग लुढ़क रही है तो एम आर स्क्वायर सिंपली, ऐसे फॉर्मूले को यूज करते। तो अभी फिलहाल हम क्या करें, यहीं पर तो दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, आप आई ओमेगा स्क्वायर, यहाँ तो आपने ये स्क्वायर हमने लिखा नहीं दिया, प्लस हाफ एम के स्क्वायर हमने लिख दिया आई इक्वल टू एम के स्क्वायर। अभी भी मजा नहीं आ रहा है, एक फॉर्मूला जब परपेंडिकुलर होता है तो ओमेगा क्रॉस आर क्या हो जाता है, साइन 91 होता है, ओमेगा आर साइन थीटा तो कहते हो, तो ओमेगा आर के बराबर हो जाता है, क्योंकि लगभग परपेंडिकुलर जब हम बिल्कुल सेंटर से रोटेट करते हुए मान रहे हो और रेडियस उसके परपेंडिकुलर होते ही है, तो अब आप इस पे क्या लिखोगे, ओमेगा इक्वल टू वी बाई आर, इक्वल टू आर ओमेगा का मतलब ओमेगा इक्वल टू वी बाई आर, इतना सब लोग जानते हैं, इतना तो पढ़ के आए हैं या नहीं, तो ओमेगा की जगह क्या लिखो, ओमेगा स्क्वायर की जगह वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब आप इसमें हाफ एम बी स्क्वायर जो दिखाई दे रहा है यहाँ तो बनी हो गया, और यहाँ पे हाफ एम बी स्क्वायर, अब यहाँ क्या बचा, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये के हो गया। तो रोलिंग मोशन में जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये रख लीजिए, बहुत कैसे निकलता है वो हमने समझा दिया, काइनेटिक एनर्जी इन रोलिंग मोशन हाफ एम वी स्क्वायर विद इन ब्रैकेट 1 के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, के क्या है क्या बताना पड़ेगा दोबारा, गोल्डन त्रिज्या या रेडियस ऑफ डायरेक्शन, आर क्या है एक्चुअल रेडियस है, चाहे वो रिंग हो चाहे सिलेंडर हो चाहे डिस्क हो चाहे सॉलिड स्फीयर हो, यही बॉडीज आपके कोर्स में, कोई दिक्कत नहीं। तो अब इसी पे बेस्ड आपके सम्स होंगे, ये फॉर्मूला हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, हम ये दो हिस्सों में नहीं बांटते,
कैसे निकलता यही फॉर्मूला, वो भी निकाल के दिखाई दे रहे हैं कि कोई बॉडी रोल कर रही हो, आप एक्सिस ऑफ रोटेशन ये मत मानिए, आप ये मान लीजिए क्योंकि सरफेस को टच करके रोल कर रही है। तो रोलिंग जो मोशन में जो काइनेटिक एनर्जी होगी, अब आप इसमें क्या करोगे, सिर्फ हाफ आई मैंने इसमें लगा दिया और आई की जगह पे क्या आएगा, बॉडी अभी हमें सकल नहीं पता उसकी, तो सेंटर ऑफ मास से अबाउट आईसीएम होता, तो यहां पर पहले लिखो आप आई प्लस आईसीएम भाई। अगर आप इसको आईसीएम कहते हो, आप एक्सिस ऑफ रोटेशन आप यहां मान रहे हो, तो इस एक्सिस के अबाउट जो सर्कमफ्रेंस पे है या उसकी परिधि पे है, तो इसके अबाउट आई मानोगे, तो आई किसके बराबर होगी, आई सी एम प्लस एम आर स्क्वायर। अभी तुम लोग के चेहरे उड़ेंगे कि सर लिख क्या रहे हैं, आई सी एम थोड़ा सा अभी भी उल्टा लिख गया, आई सी एम पहले लिखते फिर एम एच स्क्वायर लिखते, कोई दिक्कत तो नहीं, आगे पीछे लिख गया। अब आप देखिए इसमें, आप देखिए आप आई सी एम ओमेगा स्क्वायर प्लस आप एम आर स्क्वायर तो b इक्वल टू आर ओमेगा लिख दोगे, हाफ एम बी स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे आई सी एम की जगह एच के स्क्वायर लिखोगे, यहाँ भी बी बाई आर लिखोगे, जब जो सॉल्व करोगे तो यही आ जाएगा। आप अगर दो हिस्सों में i ट्रांसलेशनल और प्लस i रोटेशनल ना लिखना चाहें तो आप ICM की बजाय i ले लीजिए, जो कि ICM प्लस एम आर स्क्वायर लिखनी पड़ेगी, तब भी यही फॉर्मूला डिराइव होके आ जाएगा, बुक में आप पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत आपको पढ़ने में, समझ गए अच्छे से। रोलिंग मोशन का मतलब ये हॉरिजॉन्टल पे ये काइनेटिक एनर्जी होती है, आपने रट लिया। अब अगर इस पर बेस्ड कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी तो वो प्रॉब्लम इसी फॉर्मूले पे आधारित होगी, हाफ एम बी स्क्वायर विद इन ब्रैकेट वन प्लस ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। आगे बढ़ूं? यस सर। तो इसमें जो आपके कोर्स में दिया हुआ कंबाइंड मोशन ऑफ ट्रांसलेशनल एंड जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो भी जो हमारे एक्सप्रेशंस हैं, जो बातें हम करते हैं उनसे उन शब्दों को सीखते जाएं कि सीधी रेखा में चलने का मतलब ट्रांसलेशन होता है, कोई दिक्कत, और घूर्णन करने को रोटेशनल कहते हैं, कोई दिक्कत। अब रही बात फॉर्मूले की, हिंदी में भी आप आई ओमेगा स्क्वायर पढ़ते हो हिंदी मीडियम वाले, उसमें आई की जगह पे कुछ और ई तो नहीं बनाते, बनाते हैं क्या भाई, उसमें फॉर्मूला जो है हिंदी मीडियम वाले में आई की जगह ई तो नहीं बनाते, ओमेगा की जगह हमें नहीं मालूम क्या बनाया जाएगा या बनाया नहीं जाएगा, तो यह जड़त को आप भूल यहाँ लिखा है क्या, अब कैसे दो हिस्सों में है ना, मूवमेंट ऑफ एनर्जी आ बनाना, जड़त को ऐसे मूवमेंट में एम छोड़ दिया, मूवमेंट ऑफ एनर्जी आपने हम आई से डिनोट करते तो आई को लेते हैं, एम को छोड़ देते हैं, इसमें लिखते हैं जड़त को आगू, तो यहाँ पर लिखा चाहिए आ आयू, जड़त को लेकिन शब्द छिपाया जाएगा है ना। अब वहाँ पर जो मेगा लिख लेते हैं उसका मतलब क्या लिखा है, प्योर हिंदी मीडियम हुआ क्या, नहीं हुआ, बहुत कठिन होता है हिंदी मीडियम में बनाना है कि नहीं। तो ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों शब्द आपको पता चल गए, रोलिंग भी आपको पता चल गया है ना। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, रोलिंग मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन,
ये सेंटर, ये सेंटर। इस बीच में उसने इंक्लाइन प्लेन पे ऊपर से फिर लौटाया, रोल कराया, लौटाने को रोलिंग कराना कहते हैं, रोल कराया, रोल करते हुए वो यहाँ पहुंच गई। इस बीच में उसने इस इंक्लाइन प्लेन पे जो डिस्टेंस ट्रेवल करी वो उन्होंने कहा ऐसे, ठीक है। लेकिन अगर हम ऊंचाई के हिसाब से नापना चाहें, गड्ढा करके नापना पड़ेगा, और जो भी तरीका हो सकता है, तो हाइट जो है उसने ट्रेवल करी वो एच, ठीक है। अब आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर जानते हो ना, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, उसके अनुसार आप यही कहोगे बाई अप्लाइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसकी कहानी क्या है, जब वो पॉइंट पी से क्यू पे पहुंचती है तो इसमें ऊपर से नीचे आने में आप क्या देख रहे हो। महाभारत में संजय देखता था, किसको बताता था, धृतराष्ट्र को। संजय क्या देखा, तो आप बताइए आपने क्या देखा, क्या हुआ, ऊपर से नीचे आने में हुआ क्या। इसकी देखो दो टाइप की मैकेनिकल एनर्जी होती है, ये लुढ़का क्यों, पहली चीज तो हाइट के लेवल का डिफरेंस था, उसमें पोटेंशियल एनर्जी थी, और वही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। हम यू इक्वल टू जीरो मान लें, हम हाथ से पकड़े जैसे ही छोड़ा, हमने धक्का नहीं मारा, कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया, ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हुआ, उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा थी, और उस गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में कमी आई, पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुआ। तो आप ये कहोगे लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। यहां पे दाता कौन है, जिसका नुकसान हो रहा है, नुकसान किसका हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी का। फायदा कौन ले रहा है, किस रूप में फायदा हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी। तो आप कहोगे गेन इन काइनेटिक एनर्जी, कोई प्रॉब्लम। तो अब लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी तो आप एनजीएच ही कहोगे, फॉर्मूला तो नहीं बदल जाएगा, ऐसे तो नापी नहीं जाती, ऊंचाई से नापी जाती है। और गेन इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी तो रोलिंग वाला फॉर्मूला लगेगा, चूंकि रोलिंग मोशन हो रही है, तो आप इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर वन प्लस, भाई बॉडी जो भी रोल करने लायक है उसकी रेडियस ऑफ गायरेशन भी होगी, रेडियस भी होगी, उसका मास भी होगा, कोई दिक्कत। अब अगर हमें उसकी वेलोसिटी जाननी है तो आप डिटरमाइन कर दीजिए, तो v स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2gh को मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। ये फॉर्मूला समझ में आ गया, कोई दिक्कत समझने में। केवल एक लाइन लगाई हमने, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है या ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। अब वी से हमारा काम नहीं चल रहा, हम एक्सीलरेशन के रूप में जानना चाहेंगे, क्योंकि हम नापते एस, एस तो हम नापते नहीं है, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस एस होगा, यू जीरो हो गया s, यानी v स्क्वायर इक्वल टू 2as, इसी को हम लिख सकते हैं, और 2as इक्वल टू 2gh अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, 2 और चलिए।
एक चीज और मैं एच का चक्कर ही हटाना चाहता हूँ इस इक्वेशन में। देखिए ये अल्फा है तो ये भी अल्फा ही होगा। इस ट्रायंगल में देखिए एच अपॉन एस किसके बराबर है? साइन थीटा। यानी कि एच इक्वल टू एस साइन थीटा हम रख सकते हैं इस इक्वेशन में। लिख दीजिए एस साइन थीटा, एस एस कैंसिल। अब क्या बचा? एक्सीलरेशन ए इक्वल टू सब समझ आ रहा, और एक्सीलरेशन जिसको हिंदी मीडियम वाले सुन ले त्वरण कहते हैं, कई बार नौकरी तो रट जाएगा। तो ए इक्वल टू देखो एस एस करके ए बचा था यहाँ, यहाँ से जी और साइन थीटा ऊपर बचा, नीचे वाले से कोई लेना देना नहीं, वो तो उसके साथ जुड़े ही हुआ। जी साइन थीटा अपॉन वन प्लस ए स्क्वायर अपॉन, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एक्सीलरेशन। इसी पे आधारित ज्यादातर जो पीछे प्रॉब्लम सॉल्व करोगे इसी पे। अच्छा थीटा लिख दिया, मुझे ध्यान नहीं रहा, मुझे लगा थीटा ले लिया था, अब उसको अपने आप कर लिया था। जो जो हमने लिया वही चलेगा, थीटा लिया होता तो थीटा होता, ठीक है। तो जी साइन अल्फा अपॉन वन प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, लेकिन धोखे से लिखने का मतलब आप समझ लीजिए कि क्वेश्चन में हो सकता रोटेशन में थीटा हो, गामा हो, बीटा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें एंगल का जो नोटेशन मिले वो नोटेशन यहाँ यूज करें। लेकिन फॉर्मूले में ये सब चीजें नहीं बदलेंगी। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये पहले तो सिंपल सी चीज पूछी जाती है कि एक रिंग है, एक डिस्क है, एक सिलेंडर है और एक सॉलिड स्फीयर है, सब सॉलिड सॉलिड ले लेते हैं, अगर एक साथ समान रूप से लुढ़काई जाए इसी एंगल पे तो कौन पहले पहुंचेगा? भाई ये बताइए, इस फॉर्मूले में ये तो समान है साइन अल्फा सबके लिए, जी सबके लिए समान है, ए जिसका ज्यादा होगा वो पहले पहुंचेगा, और ए किसका ज्यादा होगा? कम होगा, डिनोमिनेटर जितना छोटा उतनी ही रिजल्ट बड़ा आएगा। डिनोमिनेटर को हर कहते हैं, न्यूमरेटर को अंश कहते हैं, ये एक फ्रैक्शन या फ्रैक्शन के भिन्न क्या कहते हैं, भिन्न का ये अंश है या हर है, जिसका हर बड़ा होगा वो वैल्यू छोटी आएगी, और हर जिसका छोटा होगा वो वैल्यू बढ़ी आएगी। तो ये वन तो आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में ये है। अब बॉडी का शकल बदल जाने पे उसकी रेडियस ऑफ वेरिएशन के बदलती, आर भी हमने कह दिया समान ले लिया, तो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर किसका ज्यादा आता है ये आपको बॉडी में चेक करना पड़ेगा। सबसे ज्यादा किसका के होता है पता आपको? रिंग का, उसमें तो बिल्कुल लबालब लास्ट तक फैला रहता है, बीच में होता ही नहीं है, तो रिंग तो सबसे बाद में होगी। और अगर हम तीनों बॉडी कंपेयर करेंगे, और जो हम बता रहे हैं मैं कैलकुलेट करके देख लेना, उसका वीडियो भी मौजूद है, उसमें आप पढ़ लीजिएगा, डिटेल में हमने समझा दिया होगा, निकाल निकाल के दिखाया होगा कि किसमें कितना आता है। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू ए की आती है सॉलिड स्फीयर के केस में, यानी कि रेडियस ऑफ वेरिएशन, यानी के रेडियस ऑफ वेरिएशन निकालो कैसे, जैसे आपने कहा एम के स्क्वायर इक्वल टू टू बाई फाइव एम आर स्क्वायर सॉलिड स्फीयर के लिए, रिंग के लिए, सिलेंडर के लिए एम के स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर लगाओगे। अब इसमें एम एम काटिए बस, क्योंकि हमें सिर्फ के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर निकालना है, तो इसके लिए और इस वे के लिए के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर बाई फाइव आर है ना, और इसके लिए क्या आएगा के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर वन बाई टू आएगा। ऐसे रिंग के लिए के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर वन आएगा, क्योंकि एम के स्क्वायर इक्वल
तो उसमें वन प्लस वन होगा, होगा कि नहीं? यस सर। रिंग के केस में। और इसमें वन प्लस टू बाई फाइव होगा, यानी वन प्लस पॉइंट फोर, टू बाई फाइव किसके बराबर होगा? पॉइंट फोर, तो वन पॉइंट फोर आएगा। और इसके डिस्क और सिलेंडर के केस में 1/2, 1.5 से बड़ा होता है, समझ आ गया? तो इस तरीके से बॉडीज डिफरेंट डिफरेंट के लिए आप एक्सीलरेशन या त्वरण जान के रिलेटिव वैल्यूज किसकी कितनी है आप अंदाजा लगा सकते हो। अब आप टाइम भी निकाल सकते हो, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी से कितना टाइम लगेगा, लगेगा कि नहीं? भाई हमने वी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस टू एस लगा दिया। भाई इक्वेशन ऑफ मोशन को आप कहीं भी लगा सकते हैं, जैसा आप प्रॉब्लम सॉल्व करते रहे हो। हमने बेसिक पर बताया, आपको कुएं के दरवाजे पे खड़ा कर दिया, इसमें से पानी निकालो। पानी निकालने का आपका काम बाल्टी न बनो कि जितना हमने बताया बस उतना ही जा लिया। यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। हमने तरीका बता दिया कि आप कैसे इन चीज़ों को सॉल्व करेंगे। अपना ब्रेन यूज करना मस्ट है। आर यू क्लियर और नॉट? अब मैं